Hello, welcome back to the channel. So, I was trying this app called Hungry G. उस दिन आप लोगों को मेरा पुराना वाला vlog में हम दिखाया था कि अच्छा एक Hungry G का हो जा रहा है. So, हमको first में लगा था कि चलो ये काम नहीं करता होगा नहीं ये, क्योंकि हम first में जब इसका advertise हो रहा था Instagram में, हम तब इसको install किया था. But कभी try करके नहीं देखा था. But उस दिन वहाँ में जब delivery guy जो जा रहा था Hungry G लेके, I wonder कि हाँ होता होगा. By the way, आज election का दिन है. आज का date कितना है? 11th April है आज. आज election का दिन है. So maybe आज बंद होगा दुकान लोग. But I'm still gonna try. Google Garden से हम. I was ordering chicken Hyderabadi dum biryani. Can you guys actually see? Price तो 259 लिखा है INR. And एक order कर रहे हैं. GST, CGST और SGST सब कुछ मिला के इसका दाम हो गया. Delivery charge और packing charge मिला के total amount is 335.48 rupees. Proceed to payment. So yeah, address को डाल लिया and there are two options, credit और debit card का और या फिर cash on delivery का option है. So yeah guys, I'm gonna try credit card / debit card option. क्योंकि हाथ में तो पैसा है नहीं अभी. Right now, Hungry G has sent me a message that your order has been successfully placed. Congratulations and all. और it says 45 minutes में पहुंचाएगा. So let's wait and see. Just got a call. I mean a missed call from a number. I wonder if it was a Hungry G wala log. What do you mean, sir? आप order किया था ना Hungry G पे? हाँ हाँ yes yes. Sir actually election का कारण हम लोग का बंद है. कल 12 तक बंद होगा. So this is another day and I'm ordering the food again, the same food because उस दिन 13th of April था, I guess 13th था, जो भी था, election का दिन था and it says your order is being cooked now. So the guy just called me and he said ki yahan mera food aa gaya and this is my cash. So let's go and pick up the food. Hello, idhar piche piche idhar. So there is the guy. So ye hai na Hungry G, I mean. Ye mera vlog ke liye ha. Camera ke liye kuch nahi na, camera aur kuch nahi. That was the Hungry G wala at me. And this is my food. Hello tum log. Just done eating and अभी ऐसे जाएगा तोगाम का घर and by the way वो हमको बताएगा कि how to use a BP machine and please don't judge me अगर आप लोग कोई senior doctor देख रहे हैं, he's still a student, he's also learning और हम उससे सीख रहे हैं अभी. So अगर हम लोग कुछ गलती भी बोलते हैं उनसे comment में, don't hate on us, हम लोग rectify करो but don't hate on us. Okay, so I'm pretty sure many of you मतलब पता है but हम लोग daily life में हम लोग ये चीज को नहीं देखते कि as we grow old हम लोग का parents भी बुरा होते जाते हैं, बुरी होते जाते हैं. So this is the reason हम BP machine ले, वो लोग का ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, यू नो, टाइम टू टाइम मतलब लर्न करना जरूरी है. और आप लोग भी अगर सकेगा तो इफ़ पॉसिबल ले लो एक स्टेथोस्कोप लेना है और एक वो बीपी मशीन लेना. वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा हाउ डिड आई मतलब कैसे किया है. इट्स वेरी फेयरली सिंपल, सिस्टोल डायस्टोल वगैरह वगैरह. और गाइस, सो टुडे आई एम हियर एट टोगम्स हाउस एंड सिंस आई एम हियर ही इज गोना टीच मी हाउ टू टेक अ बीपी. क्या मशीन बोलते हैं ये मेडिकल टर्म में? इसको स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं. सिंपल भाषा में आप लोग बोल सकते हैं बीपी मशीन चलता है ना. यहाँ पे ऐसा होता है कि अंदर भी ये लाइन जो यहाँ पे आपका प्रेशर का मार्किंग्स होता है, यहाँ से जीरो से लेके 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक प्रेशर होता है. इसका अलग अलग वर्जन भी होता है, डिजिटल भी होता है, पर वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है एज कम्पेयर टू दिस. ये मोस्ट एक्यूरेट होता है. या एंड दिस इज द वो जिससे पंप करते हैं, आप लोग देखा होगा हॉस्पिटल में भी फुसफुस फुसफुस करते हैं ना. और गाइस, सो अभी तोगम हमको इसको लगा के दिखाएगा हाथ में. आप लोग भी देखा होगा मेडिकल में तो ऑब्वियसली जब इमरजेंसी में प्रेशर तो लेता ही है ना. इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो ट्यूब है वो थोड़ा ये एल्बो तरफ में होना था, अंदर तरफ पे होना है, इनर साइड पे. और एक चीज पॉइंट, जो ये ट्यूब जो है इसको कभी भी उल्टा मत लगाना. तो वो हमेशा गलती किया था इसलिए इसको सब बोलते हैं. हो गया बस. इसको कफ बोलते हैं, ये जो लगा के रखा हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड कफ एंड यहाँ में भी एक ट्यूब से छोटा सा होता है, उसको भी जोड़ना पड़ता है. सो इन ऑर्डर टू पंप, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ऐसा निकल गया होता है तो इसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है. तो ये कफ और ये कनेक्ट हो जाता है, ये जो मशीन है. एज यू कैन सी यहाँ पे जुमियर ने एक कफ पहना दिया. तो अब इसको ये फर्स्ट प्रेशर लेने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ देखना पड़ता है. जैसे आपका ये मर्क्यूरी अभी आपको दिख रहा है या नहीं, ये स्टिक है यहाँ पे, तो ये अभी क्लोज हो गया है, तो इसको डाउन करना है. तो अच्छे से अगर आप देखिए तो यहाँ पे मर्क्यूरी आ जाएगा यहाँ पे लेवल. तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आपके ये घुराने के लिए. तो ये घुराने के लिए ये सिर्फ क्लोज, ओपन एंड क्लोज करने के लिए. तो अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुराते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी प्रेशर उठेगा, अभी प्रेशर खुद रिलीज नहीं होगा, एक स्टे हो जाएगा. फिर उसको रिलीज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुरा देना.
दिस इज द स्टेटोस्कोप, बीपी मेजर करने के लिए काम आता है इसका. यूजुअली ऐसा है कि बहुत किसी को पता नहीं होता कि ये जो रोटेट होते हैं, ये जो आपको सर्कल वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये रोटेट होता है आपका. अच्छा, इसमें क्या जो इससे क्या रिकॉर्ड होता है, इससे क्या होता है, ये आगे वाला जो पोर्शन है इससे यूजुअली मतलब बीपी या फिर हार्ट साउंड, नॉर्मल हार्ट साउंड लोग सुनने के लिए होता है ना. एंड ये पीछे वाला जो है इससे वो फीतस लोग, फीतस जो जैसे नॉर्मल वर्ड्स में जो माँ का बच्चा जो पेट में होता है ना, उन लोगों का हार्ट साउंड सुनने के लिए इसको यूज होता है पीछे वाला. सो नॉर्मली यहाँ का हम लोग का लोकल आदमी लोग सोचते हैं कि मतलब वो लोग को जनरली पता नहीं होता, और हमको भी पता नहीं था रिसेंटली, मतलब अभी तक जब हमको तोगम बताया था कि देर आर टू थिंग्स. हम लोग जो बोलते हैं ना 120/60 है, या फिर कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होने से 180/, मतलब जो भी ऐसे दो नंबर्स होते हैं ना, तो दे आर बेसिकली लाइक सिस्टोल. ऊपर वाला जो होता है वो सिस्टोल है, और नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोल है. तो तोगम विल टेल यू मतलब कितना क्या है वो एग्जैक्टली. देखो सिस्टोल क्या है कि अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सिस्टोल जो है कि कंट्रैक्शन है. कंट्रैक्शन मतलब क्या है, सिंपल कंट्रैक्शन, हार्ट का कंट्रैक्शन होता है. एंड डायस्टोल जो रिलैक्सेशन को बोलते हैं, हार्ट का रिलैक्सेशन, वही है सिस्टोल एंड डायस्टोल. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सिंपल है चीज. तो हम अभी हमको मेजर करके आप लोगों को बताएगा कि एग्जैक्ट प्रोसेस कैसा होता है इसमें. सबसे पहले हाथ नॉर्मली ऐसे रखना है, उसके बाद फिर जो ये स्टेथोस्कोप का जो आगे वाला पोर्शन है इसको, ये जो दो वायर निकल रहे हैं उसके बीच में ऐसे प्लेस कर दो. उसके बाद यहाँ पे जो आपको टाइट करने वाला बताया था उसको फिर टाइट करना है ना, क्लॉकवाइज घुराना है. तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल अभी अप होगा टेस्ट करने में. तो अराउंड 150 ऐसे तक उठाना है, नॉर्मली हम लोग 150 ऐसे तक उठाते हैं. फिर उसके बाद धीरे धीरे रिलीज करना है. आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रिलीज कम होते जा रहे. तो अगर आप लोग अगर मेरे जगह में अगर सुन रहा होने से, तो अराउंड यहाँ पे फर्स्ट 120 ऐसा पे फर्स्ट एक साउंड आया, तो वो फर्स्ट साउंड जब आता है तो वो जो आप लोग सिस्टोल होते हैं. एंड फिर उसके वो साउंड कुछ समय तक रहता है, जैसे यहाँ पे अभी 120 पे साउंड आया ना, फिर उसके वो 90 अराउंड 90 ऐसे पे आपको साउंड जो रुक गया था, तो वो जो आपको जो डायस्टोल है वो होता है. तो आपका अभी अभी का ब्लड प्रेशर जो है मेजर किया तो उस पर आपका कितना 120/90 आया आपका. तो नॉर्मली अगर नॉर्मली ऐसे प्रेशर जीरो पे होते समय अगर सुनेगा तो इस पर कुछ आवाज़ नहीं आएगा. फिर 150 ऐसे पे जो हम जो मैक्सिमम तो ले गया था उस पर भी कुछ साउंड नहीं आएगा. फिर जब धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा तो अराउंड वे 120-130 ऐसे एवरेज है वो, तो उतना पे साउंड आना शुरू होता है. तो वो जो आपका सिस्टोल है, फिर वो साउंड धीरे धीरे जाएगा नीचे जाएगा फिर खत्म हो जाता है वो साउंड, तो वो जो आपका डायस्टोल है. इस स्टेथोस्कोप और हम कभी इसको पहन के तो देखा है नहीं, ऐसे तो पहनता नहीं था इसको. So, yeah guys, that is pretty much it for the BP. I mean, how you take a BP. Simple शब्दों में सिस्टोल होगा और डायस्टोल होगा, दो चीज़ हम जो सीखे अभी इतना चंद मिनट्स में तोगम से. सो दो चीज़ होगा, सिस्टोल डायस्टोल. फर्स्ट साउंड सुनाई देगा ना, हाँ वो सिस्टोल है, वो जो सिस्टोल होगा. और सेकेंड वाला जब साउंड कम्प्लीटली फेड हो जाएगा, वो मार्क जो होगा उसमें मर्क्यूरी का प्रेशर का उसमें जो मार्क होगा वो जो होगा आपका डायस्टोल. अनदर वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर यू गाइस इज, जब भी स्टेथोस्कोप पहनेगा किसी को भी यहाँ में जोर से मारने मत दो, क्योंकि कान में बहुत जोर से लगता है, याद नहीं अभी बहुत जोर से मारा है को. Alright guys, so I'm finally home now and I felt like sharing this video with you guys. First of all, I know that it is not a regular vlog video, but still I felt like sharing because you know, मेरा कमेंट सेक्शन में हमेशा आदमी लोग यूज टू से कि डू सम इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सो आई होप दैट यू पीपल लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑन हाउ टू चेक योर बीपी. सो दैट इज इट फॉर टुडे. इफ यू लाइक दिस शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, be sure to let me know in the comment section below, and yeah, I'll see you guys in my next video.